नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 में द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। द्वितीय पाठ हमने पढ़ा था बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, जिसमें एक शेर और सिंगाल की कहानी पढ़ी आप लोगों ने, और जिससे क्या ज्ञान मिला था हमें, जिसमें कहा गया था कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी और श्रृंगाल की चतुराई दिखाई गई थी कि विपत्ति आने पर किस प्रकार हम चतुराई से विपत्ति से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है उच्चारणम कुरुत। तो हमें उच्चारण करना है, लिखना नहीं है, केवल शुद्धता से उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित विचिन्त्य साध्वीदम् क्षुधार्तः एतत् छुत्वा भयस्तन्त्रस्तमनसां सिंहपद पद्धति ही सम आह्वानम प्रतिध्वनि ही। तो जिस प्रकार से मैंने उच्चारण किया, आप लोग भी स्वयं इसका उच्चारण करेंगे। अब अगला हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। तो हमने पढ़ा था सिंहस्य नाम खरन खरह, शेर का नाम था खरन खरह। अगला प्रश्न है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा के स्वामी कौन थे, गुफा का स्वामी कौन था। तो इसमें आप सीधा श्रृंगालः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं। दधि पुच्छ नामकः श्रृंगालः, क्या लिखोगे? गुहाया स्वामी कः आसीत् श्रृंगालः, दधि पुच्छ नामकः श्रृंगालः। अगला प्रश्न है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो कौन सा समय था? सूर्यास्त समये। कौन से समय में आया गुफा के पास? घूमता घूमता सूर्यास्त समये, शाम के समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, किस व्यक्ति के हाथ और पांव काम नहीं करते, क्रिया नहीं करते। कैसे व्यक्ति के हाथ पांव काम नहीं करते? तो हमने पढ़ा था भयस तंत्रस मनसाम, भय से ग्रसित मन वाले व्यक्ति के हाथ पांव काम नहीं करते। भयस तंत्रस्त मनसाम। गुहाम केन प्रतिध्वनिता, गुफा में से किसकी प्रतिध्वनि हुई, किसकी प्रतिध्वनि आ रही थी, गुंजायमान हो रही थी, किसकी ध्वनि? तो सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जन से प्रतिध्वनित हो रही थी, सिंह गर्जनेन। तो इस प्रकार से ये एक पद के उत्तर हो गए। अब अगला हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो देखेंगे पहला प्रश्न खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति स्मः। खरन खर कौन था? शेर। खरन खरह कुत्र यानी कहाँ प्रतिवस्ति स्म, कहाँ रहता था, खरन खर कहाँ रहता था, कस्मिन् वने, शेर कहाँ रहता था, किसी वन में, कस्मिन् वने। तो पूरा आप ये लिखोगे आगे वाला खरन खरह, जहाँ अंडरलाइन किए वहाँ पे आप उत्तर लिखोगे, फिर आगे वाला पूरा वाक्य लिखोगे, इससे आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। मैंने इतना ही लिखा है, आप कुत्र की जगह ये लिखोगे, बाकी आगे पीछे वाला सेम लिखोगे। तो लिखोगे खरन खरह कस्मिन् वने प्रतिवस्ति स्म। महतीं गुहा दृष्ट्वा सिंह किम् अचिन्तयत्,
बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? तो आप लिखोगे महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत नूनम एतस्या गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। शेर ने क्या सोचा, पहले प्रश्न का लिखोगे महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, ये नहीं लिखोगे, सिंह अचिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। इस गुफा में रात्रि को जरूर कोई जीव या कोई प्राणी आता है। अगला प्रश्न है श्रृंगालः किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा, श्रृंगाल ने क्या सोचा? तो श्रृंगालः अचिंतयत, इसमें भी ऐसे लिखोगे श्रृंगालः अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है श्रृंगालः कुत्र पलायितः, शेर कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया? तो श्रृंगालः कुत्र की जगह लिखेंगे दूरम पलायितः, श्रृंगाल दूर भाग गया। अगला प्रश्न है हमारा गुहा समीप आगत्य श्रृंगालः किम पश्यति, गुफा के नज़दीक आकर सियार ने क्या देखा? तो इसके लिए आप लिखेंगे श्रृंगालः सिंह पद पद्ति ही गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। श्रृंगाल ने शेर के पद चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए देखा, न कि वापस बाहर आते हुए, अर्थात प्रवेश करते हुए उसके पैरों के चिन्हों को देखा। ये आपका इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है क शोभते, क्या शोभनीय है, क्या अच्छा है? तो उसका है अनागत यह कुरुते स शोभते, आने वाली विपत्तियों के लिए जो सोचता है, उपाय करता है, जो वही क्या है शोभते। अनागतम यह कुरुते, आने वाली विपत्तियों के लिए जो उपाय करता है स शोभते, वही शोभता है, सुंदर लगता है, वही हमारे लिए अच्छा है। इस प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधा आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित जो पद दिया गया है उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका, कहीं भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसा था शेर, क्षुधार्तः, तो अंडरलाइन किसके नीचे है, क्षुधार्तः अर्थात भूखा था, भूखा क्षुधार्त ये हटाएंगे तो क्या होगा कि शेर कैसा था, तो क्षुधार्तः हटा के हम लिखेंगे कीदृशः सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, कैसे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। क्षुधार्तः की जगह कीदृश लिखेंगे अर्थात कैसे। और बाकी पूरी पंक्ति पूरा वाक्य वैसे ही आपको लिखना है। अगला है दधिपुच्छ नामः श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ अर्थात इसका नाम है, नाम हम हटाएंगे तो शब्द आएगा किम, क्या नाम वाला श्रृंगाल गुफा का स्वामी था, किस नाम वाला श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ की जगह किम लिखोगे फिर पूरा वाक्य इसी प्रकार उतार दोगे। इस प्रकार अगला देखिए
प्रश्न निर्माण, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। इस गुफा का स्वामी हमेशा आवाहन करता है, तो ऐसा गुहा स्वामी की जगह स्वामी हटा के हम लिखेंगे ऐसा गुहाया कस्य सदा आवाहन करोति। इस गुफा का स्वामी हमेशा बुलाता है, तो इस गुफा का कौन हमेशा आवाहन करता है, कस्य सदा आवाहन करोति। तो इस गुफा के स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, इस स्वामी को हमेशा बुलाती है गुफा। तो किसको बुलाती है, स्वामी को बुलाती है। स्वामी कौन था, श्रृंगाल। तो किसे बुलाती है, कस्य सदा आह्वान करोति, किसे बुलाती है, तो किसे के लिए, स्वामी हटा के कस्य, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति। भयस्तंत्रस्तमनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय से युक्त मन वाले व्यक्ति के हाथ पांव आदि कार्य नहीं करते। तो भयग्रस्त व्यक्ति या भयग्रस्त मन वाले के कहा हस्तपादिका हटा के कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्या उनके कार्य नहीं करते। आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। आह्वान से श्रृंगाल बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन हो जाएगा। तो बिले अर्थात स्थान है, स्थान हटाएंगे तो आ जाएगा कुत्र। बिल में प्रवेश करेगा तो बिल हटाने पर कहाँ प्रवेश करेगा, गुफा हटाकर क्या लिखेंगे कहाँ, तो कुत्र। आह्वानेन श्रृंगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। ये हो गए प्रश्न निर्माण, कुत्र के लिए क्या आता है, कहाँ, कहाँ के लिए कुत्र। घटना क्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। घटना कहानी आपने पढ़ी है, इनको क्रम से लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ था, कहानी में क्या पढ़ा हमने, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ भूखा शेर घूमता हुआ आया। सिंह एका मैती गुहा अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल आया और गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ऐसा श्रृंगाल को विचार आया, ध्यान में आया। दूरस्थ श्रृंगाल रव कर्तुम आरब्ध, दूर से ही सियार ने शोर करना शब्द करना शुरू किया, आवाज की। सिंह श्रृंगाल से आवाहन अकरोत, शेर ने श्रृंगाल का आह्वान किया, उसे पुकारा। तो दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत, दूर भागकर श्रृंगाल ने यह श्लोक पढ़ा। तो आगे पीछे दी हुई है इनको के गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल आए, तो इनको हमने क्रम से लगा दिया जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था। अगला देखिए, यथा निर्देश उत्तरतः एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। इस पंक्ति में विशेषण पद कितने हैं, विशेषताएं कितनी हैं, उनकी संख्या लिखनी है और उनके पदों को भी लिखना है। तो एकाम महती गुफा गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। तो गुफा के क्या है विशेषण, एक गुफा, बड़ी गुफा। तो एकाम महती, ये दो विशेषण है, एकाम और महतीम, तो दो विशेषण है, तो आप लिखोगे द्वे। कितने विशेषण है, द्वे, दो विशेषण है। इसी प्रकार ये लिख दोगे आप एकाम और महतीम। अगला है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम, अहम यानी मैं इसको बुलाता हूँ,
ये किसके लिए प्रयोग में हुआ है, किसने कहा था मैं बुलाता हूँ? सिहाय कृते, यानी सिहाय कृते शेर के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला है, यदि त्वम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो। इस वाक्य में कर्तृपद अर्थात कार्य करने वाला कर्ता किम यानी क्या है, इसमें कर्ता पद क्या है तो वो आपको लिखना है। तो वो है, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तो कार्य करने वाला कौन है? तुम कार्य क्या है? बुलाना। तो तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तो इसमें कर्तृपद क्या है? त्वम। अगला है, सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, सिंह के चरण चिन्ह गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दिए। तो इसमें क्रियापद कार्य क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, तो कार्य क्या है? क्रिया। तो क्रियापद क्या है? दृश्यते। तो आप लिखोगे इसमें उत्तर दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? जो हर जगह समान रहता है, विभक्ति आदि नहीं बदलती, वो अव्यय पद कौन सा है? अत्र। क्या लिखेंगे? अत्र। अगला हमारा प्रश्न है, मंजूसात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत। ये कहानी है, इसमें ऊपर शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में आपको शब्दों को भरना है। कस्मिन वने, किसी एकस्मिन वने, एक वन में व्याधः, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? कश्चिन, यानी कोई व्याध यानी शिकारी होता है, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर वो स्थित हो जाता है, जाल फैलाकर खड़ा हो जाता है। तो शिकारी जाल फैलाकर उसके पास में थोड़ी खड़ा रहता है, कहाँ खड़ा हो जाता है? दूरे स्थित। क्रमशः इसके बाद आकाशात यानी आकाश से सपरिवार कपोतराज, आकाश में परिवार सहित कबूतरों के राजा आगच्छत, आकाश में उड़ते हुए कबूतरों के राजा आते हैं। कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। कबूतर तंडुलान यानी चावलों को अपश्यन देखा, कबूतर ने चावलों को देखा। यदा यानी जब कबूतर ने चावलों के दानों को देखा, जब तो आगे आएगा तब, जब उसने देखा तब तेसाम लोभो जाता, तब उन्हें लोभ आ गया। परम राजा सहमत ना आसीत, लेकिन उनका जो राजा था कबूतरों का वह सहमत नहीं हुआ। तस्य युक्ति आसीत, उनकी सोच थी कि यदि वने को अपि मनुष्य ना आस्ती, कि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है जंगल में, तो क्या आएगा यहाँ पे? यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही यहाँ पे आएगा तरही, तो कुतः तंडुलानाम संभवः, तो चावल के कण कैसे संभव है? यानी जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता जंगल में, वहाँ चावल के कण कहाँ से आ सकते हैं? परम राज्ञ उपदेशम, राजा का उपदेश स्वीकार न करके कबूतर चावल के कणों को खाने के लिए बैठ गए। च यानी और, जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, अतः उक्तम इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक बिना सोचे समझे कोई क्रिया यानी कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा यानी अचानक, विदधीत न क्रियाम, बिना सोचे समझे न क्रियाम यानी कार्य नहीं करना चाहिए, सो समझ के कोई कार्य करना चाहिए। तो ये आपके द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्न हो गए, इनको समझ के आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।